तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वार्म फार्मेसी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 8, जो कि जेई कप 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। और अगर अभी तक आपने हमारा फिजिक्स और बायोलॉजी का एमसीक्यू वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। दिस इज द लॉ। आपको बताने के लॉ क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, डाल्टन लॉ या ग्राहम्स लॉ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर, विच लॉ इज दिस। आपको इसमें बताने की कौन सा लॉ है। और ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, पास्कल्स लॉ या एवोगाड्रोस डिजाइन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इट्स प्रेशर। तो बताने इसके प्रेशर में क्या बदलाव आएगा। और ऑप्शन दिया गया बिकम लेस, इंक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस या रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंक्रीजेस। अगला सवाल है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और आपको ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ग्लिवसेक लॉ या ग्राहम्स लॉ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज द लॉ। और आपको ऑप्शन देने हम दिया गया है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ या एवोगाड्रोस डिजाइन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एवोगाड्रोस डिजाइन। अगला सवाल पूछा गया है, इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ट्रिपल्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम विल बी। तो इसका वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। और ऑप्शन दिया गया है थर्ड, ट्रिपल, हाफ, क्वार्टर। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 22 ग्राम्स एट एनटीपी विल बी। और आपको ऑप्शन दिया गया 22.4 डिग्री, 11.2 एलआई डिग्री, 44.8 डिग्री एट 2.24 एल डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22.4 डिग्री। अगला सवाल पूछा गया, हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ऑप्शन है बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो या ग्राहम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राहम। अगला सवाल पूछा गया, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस। ऑप्शन दिया गया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट, प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेज एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दियर डेंसिटी, दिस लॉ इज कॉल्ड। और आपको ऑप्शन दिया गया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ या डाल्टन्स लॉ। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राहम्स लॉ। अगला सवाल दिया गया, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफ्यूजन रेट्स ऑफ गैसेस एंड देयर डेंसिटीज। आपको चार ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताने की कौन सा जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, R1/R2 इज माइनस रूट अंडर D2/D1। नेक्स्ट है दोस्तों, विच गैस इज लाइटर देन एयर। आपको बताना है हवा से भी हल्का गैस कौन सा होता है इन चारों में से। और ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन या प्रोपेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमोनिया। अगला सवाल है, अंडर व्हाट कंडीशंस डज अ रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। और आपको ऑप्शन दिया गया है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर या लो प्रेशर लो टेम्परेचर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। अगला सवाल कह रहा है, इफ
An open bottle of perfume is kept in a corner of a room. Its fragrance spreads to all parts of the room. This is because, तो ऐसा क्यों होता है ये बताना है, कारण बताना है आपको. ऑप्शन में दिया गया है इवापोरेशन, डिफ्यूजन या सब्लिमेशन. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिफ्यूजन. अगला सवाल है द प्रोसेस बाय विच गैसेज मिक्स विद ईच अदर डिस्पाइट डिफरेंसेस इन डेंसिटी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज कॉल्ड नेचुरल प्रोसेस. और आपको ऑप्शन दिया गया है इवापोरेशन ऑफ गैसेज, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, एवापोरेशन ऑफ गैसेज. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज. नेक्स्ट वाले से पूछा गया है द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 14, व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर वेट. आपको ऑप्शन दिया गया है 14, 21, 28 या 42. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28. अगला सवाल पूछा गया व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस एंड इट्स वेपर डेंसिटी. और ऑप्शन दिया गया है डबल, ट्रिपल, फोर टाइम्स या हाफ. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डबल. नेक्स्ट है द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज यूज्ड. ऑप्शन दिया गया है टू सेपरेट आइसोटोप्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ गैसेस या ऑल ऑफ द एबव. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस एबव. अगला सवाल पूछा गया दोस्तों द स्पीड ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस देन दैट ऑफ एयर बिकॉज इट. ऑप्शन दिया गया इट इज लाइट, इज हैवी, इट इज क्वाइट लाइट, इट इज क्वाइट हैवी. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट इज हैवी. नेक्स्ट है द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज दैट द केमिकल परसेंटेज बिटवीन देम इज. ऑप्शन दिया गया पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बी स्लो या बी फास्ट. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज. तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1:4. नेक्स्ट है व्हाट नंबर ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट द सेम कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर. और आपको ऑप्शन दिया गया एटॉमिक, मॉलिक्यूल्स, रूट्स, इलेक्ट्रॉन्स. उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स. अगला सवाल है दोस्तों इन द गैसियस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी डिनोट्स. तो ऑप्शन दिया गया है एनी एटम ऑफ गैस, 1 ग्राम ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस या 1 लीटर ऑफ गैस. उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मोल ऑफ गैस. अगला सवाल पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट रिलेटेड टू गैस. और आपको ऑप्शन दिया गया है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गए लॉजिक लॉ या फैराडेज लॉ. तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैराडेज लॉ. अगला सवाल पूछा गया ऑन प्रेसिंग अ गैस. ऑप्शन दिया गया है ओनली प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज. नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ एन आइडल गैस डिपेंड्स ऑन. आपको ऑप्शन दिया गया है एट प्रेशर, ऑन वॉल्यूम, एट टेम्परेचर, ऑन द नंबर ऑफ मोल्स. तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑन द नंबर ऑफ मोल्स. नेक्स्ट सवाल है दोस्तों ऑल गैसेज अटेन जीरो वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज. ऑप्शन दिया गया है -273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री सेल्सियस. इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. आपको बताना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है. तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -273 डिग्री सेल्सियस. अगला सवाल है दोस्तों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज. और आपको ऑप्शन दिया गया है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी टेम्परेचर स्केल, थियोरेटिकली मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वेपर्स ऑफ ऑल लिक्विड सब्सटेंसेस फ्रीज, द टेम्परेचर एट विच ऑल लिक्विड्स आर इन वेपर स्टेट. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थियोरेटिकली मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन होगा एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम. दिस इज द लॉ. ऑप्शन दिया गया चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ,
डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।